कई रिलेशन में ब्रेकअप करने वाला पार्टनर अपने सामने वाले पार्टनर को ये ऑफर देता है कि देखो हम दोनों का रिलेशन तो अब बन ही नहीं सकता, तो अगर तुम बहुत ही जिद कर रहे हो मेरे साथ रहने के लिए, मेरे साथ रिलेशन में रहने के लिए, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारी ये कर सकता हूँ कि तुम एज ए दोस्त मेरे साथ बात कर सकते हो, तुम जस्ट फ्रेंड बन के मेरे साथ रह सकते हो। जो सामने वाला पार्टनर होता है वो रिलेशन में रहना चाहता है, तो यहाँ पे उनके लिए कन्फ्यूज़न होती है। बहुत सारे लोग इसके लिए मुझे क्वेश्चन भी करते कि क्या ब्रेकअप के बाद हमें अपने पार्टनर का दोस्त बन के रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ कि अगर कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है कि आप वापस अपने एक्स को अपने रिलेशन में लाए, अगर पॉसिबल है तो लाए। इसके लिए मैंने वीडियोस भी बनाए, इसके लिए मैंने एक्स बैक के ऊपर ई बुक भी बनाई है अभी अभी, जो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। तो पहले उसके लिए ट्राई करें, और आपको लगता है कि आपका एक्स पार्टनर वापस आपकी लाइफ में नहीं आ सकता है तो उसको छोड़ दीजिए, मूव ऑन कर लीजिएगा, लेकिन ब्रेकअप के बाद एक्स के साथ दोस्त बन के नहीं रहेगा। इसका बहुत ही बड़ा नुकसान है, अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी लाइफ कभी प्रॉब्लम से खाली नहीं होगी, यह आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपको लगता है कि यार वो तो गया आपकी लाइफ से, रिलेशन से, तो उसका दोस्त बन के रह जाए क्योंकि आप उसके बिना नहीं रह सकते, तो आप ये बहुत बड़ी गलती करें। ये क्यों गलती करें, इसके क्या आपको नुकसान भुगतने पड़ेंगे, इस वीडियो में मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दिए हुए। अब सबसे पहला रीज़न जो मैं आपको बताता हूँ कि एक्स पार्टनर के साथ दोस्त बन के क्यों नहीं रहना चाहे, क्योंकि आप एज ए दोस्त उनके साथ रहते हो, उनसे बातें कंटिन्यू रखते, तो कहीं ना कहीं आपके माइंड में एक झूठी सी आशा होती है कि वापस से आप और उनका रिलेशन है वो अच्छा हो सकता है, वापस सब पहले जैसा नॉर्मल हो सकता है। लेकिन आप ये भूल गए कि आपने बहुत ज़्यादा ट्राई कर ली थी, वो क्लियरली आपको ना बोल रहे थे, और उन्होंने जस्ट फ्रेंड आपको रहने के लिए कहा है, आपको लगता है कि जस्ट फ्रेंड से फिर वो रिलेशन में आएगा, तो ये आपकी झूठी आशा है। तो हर दिन आपके मन में झूठी आशा रहती है, आप उसके बारे में सोचते हो, ट्राई करते रहते और एक टूटे हुए रिलेशन में फंस जाते हो। यहाँ से क्या होता है कि कई बार मूव ऑन कर लेना भी आपके लिए बेहतर होता है, क्योंकि आप मूव ऑन कर लेते हो तो आप अपनी लाइफ में तो आगे बढ़ सकते हो, आप अपने करियर पे या आगे जाके दूसरा रिलेशन भी बना सकते हो, पूरी ज़िंदगी तो अकेले नहीं रहोगे। लेकिन यहाँ पे ना आपका कोई रिलेशन बनेगा, ना आप उनको भूल पाओगे और ना आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे, ये सबसे पहला नुकसान। दूसरी चीज़, आप उस व्यक्ति को प्यार करते हो तो पहले वो आपकी रिस्पेक्ट करता होगा, एज ए पार्टनर वो आपको वैल्यू देता होगा, ब्रेकअप के बाद उनकी नज़रों में आप सिर्फ और सिर्फ दोस्त, तो वो आपको पार्टनर की नज़रों से तो देखता नहीं है, तो आप अभी भी चाहते हो कि वो आपकी रिस्पेक्ट करे, वो आपको मान दे, सम्मान दे, तो यहाँ पे हर बार आपको बुरा लगेगा कि वो आपको उस तरह से ट्रीट नहीं करता, वो आपको वैल्यू नहीं देता, वो मान सम्मान जो पहले देता था वो आप नहीं देता, क्योंकि आप उनके दोस्त हो और आप एक बार रिलेशन में आ गए, आप उनके साथ एक पार्टनर की तरह रहे हो, तो कभी भी ऐसे दोस्त उनके साथ रह नहीं सकते। हो उनके दोस्त, लेकिन आपके मन में यही है कि आप उनके पार्टनर हो या आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हो, लेकिन वो आपको अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करेंगे, यहाँ पे हर बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, उसको बुरी तरह से चोट लगेगी और आप ऐसे ही हर्ट होते रहोगे। तीसरा नुकसान यहाँ पे ये होता है कि उन्होंने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके दोस्त है, तो आपको उनके बारे में सब कुछ पता होता है क्योंकि आप उनके दोस्त से उनसे बातचीत होती रहती है। अब यहाँ पे वो आगे जाके नया रिलेशन बनाएंगे, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया, आप सिंगल हो गए, लेकिन वो सिंगल रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, वो दूसरे लोगों से मिलेगा, उनके साथ रिलेशन बनेगा, तो यहाँ पे आपको सब पता होगा। जब यहाँ पे आपको सब पता होता है कि उनका नया रिलेशन बन रहा है, किसी से बात कर रहा है, तो आप यहाँ पे जलोगे, आपको प्रॉब्लम होगा उनका रिलेशन देखकर, आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ नहीं देख सकते। इसीलिए भी एक बड़ा रीज़न ये है कि आप यहाँ पे हॉट होगे, आपको मूव ऑन करना चाहिए, उनका दोस्त बन के नहीं रहना चाहिए। और सबसे बड़ा रीज़न कि ब्रेकअप के बाद अपने पार्टनर के साथ दोस्त बन के क्यों नहीं रहना चाहिए, देखो आपके पार्टनर के लिए आप दोनों का जो रिलेशन था ना वो ख़त्म हो गया है, तो उनके लिए रिलेशन ख़त्म हो गया तो वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, क्या करेगा, जो उसकी लाइफ होगी उसके ऊपर फोकस करेगा, हो सकता है वो अपना नया रिलेशन भी बनाए, तो अपने फ्यूचर के बारे में सोचेगा, वो हर चीज़ों में आगे बढ़ता जाएगा, आगे आगे निकल जाएगा। लेकिन आपका क्या, आपके बारे में आपने सोचा है, आप एक चीज़ पे फंस गए हो, आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप यहाँ पे खुद अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि आपका रिलेशन का क्या स्टैंड है वो ही क्लियर नहीं है। आप उसको अभी भी प्यार करते हो, अभी भी पार्टनर मानते हो, लेकिन क्या रियल में आपका जो रिलेशन आगे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, एक जगह पे फंस गया,
और ये आप ही के कारण फंसा हुआ है, क्योंकि आप यहाँ से निकलना नहीं चाहते। अगर आप चाहते हैं तो आप मूव ऑन कर सकते हो, अपने पार्टनर की तरह दूसरी दिशा में आप जा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे फंसे हो। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तक आप अपने पार्टनर के साथ दोस्त बन के रहते हो तो आप एक जगह पे फंस जाते हो। आपका पार्टनर तो आगे निकल जाता है लेकिन आप अपनी लाइफ में कहीं आगे नहीं बढ़ सकोगे। ये कुछ बड़े रीज़न है कि ब्रेकअप के बाद हमें अपने पार्टनर के साथ एज ए दोस्त क्यों नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान को आपने प्यार किया है उसको एज ए दोस्त आप कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे, ये सब जानते हैं। आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, इसके बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट करें, और वीडियो जो पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।